बालाघाट जिले की समस्त स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा फरवरी से जिला पंचायत बालाघाट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसमें जिले की समस्त स्व सहायता समूह की महिलाएं द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के निराकरण को लेकर प्रशासन से मांग की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन एवं मध्यान्ह भोजन रसोईया महिला संघ ने कई बार अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा समस्या का निराकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते महिलाओं द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी की गई है। साथ ही जिला पंचायत कार्यपालन अधिकारी को मांग पूरी करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। आज जो धरना प्रदर्शन शासन प्रशासन के खिलाफ रसोईया महिला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, इनको जुलाई कोरोना काल माह से आज दिनांक तक इनको मानदेय राशि नहीं दी गई है। इस संबंध में समस्त जिला पंचायत सामने आज हजारों की संख्या में महिला धरना प्रदर्शन कर रही है। जब तक सरकार के लोग हमसे बात ना करें, शासन प्रशासन के जो भी उच्च अधिकारी, तब तक हम अपना धरना स्थल समाप्त नहीं करेंगे। अगर शासन प्रशासन अगर हमसे बात नहीं करते तो हम कुछ सांसद, विधायक, राज्यमंत्री ऐसे हैं, इनके घर जाएंगे, इनके घर डेरा डालेंगे। हम लोग इनको भी हमने आमंत्रित किया है कि आप भी आ जाइए, हमारी महिलाओं की बात तो आप समझे, उनके दुख दर्द समझे कि वो क्या चाहते हैं, किस लिए बैठे हैं। अगर उसके बाद अगर प्रशासन भी नहीं आता या विधायक, सांसद और मंत्री भी नहीं आते तो हम इनके घर जाएंगे। तब भी अगर नहीं जाके तो हम लोग सीधा रेलवे ट्रैक जाके अपन रेल रोकेंगे, जेल भरेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, बैनर कट जाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।